तहसील सदर में कैंटीन में बनाए गए कम्युनिटी किचन का गुरुवार को एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदर ने वहां पर बनाए गए भोजन की जांच की और उसके स्वाद का भी जायजा लिया। इस दौरान सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित सहित नायब तहसीलदार और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि ड्राई राशन का वितरण नेपाल क्लब स्थित कम्युनिटी किचन से किया जा रहा है, जबकि पके हुए भोजन का वितरण सदर तहसील के कम्युनिटी किचन से किया जा रहा है। यहां पर किचन बनाने का मुख्य उद्देश्य सदर तहसील में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों में रहने वाले लोगों को भोजन पहुँचाना है। इसके साथ ही कहीं से और डिमांड आती है तो वहाँ भी भोजन पहुँचाया जाता है। एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि शासन के निर्देश पर सभी व्यक्तियों के लिए राशन का प्रबंध किया गया है तथा भोजन बनाकर ही उन्हें सुविधा प्रदान की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। मास्क के बिना वो भी है अपराध है भी बाहर निकल। अच्छा, सबसे अच्छा ये था अनुमोचन ने फोन किया कि कुछ लंच करके अगर बचा है तो भेजो, वहाँ की सब्जी बड़ी अच्छी बन रही है। देखिए, नेपाल क्लब में पहले से ही हम लोगों ने जितने भी हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं, खासकर एनजीओज हैं जो डोनेट करना चाहती हैं, तो वहां पे हमने सबको कंबाइन किया हुआ है, सबको क्लब करके शहर के जितने भी स्वयंसेवी स्वैच्छिक रूप से जो योगदान दे रहे हैं वहां पे हम क्लब करते हैं, इकट्ठा करते हैं और पैकेट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों तक पहुँचा रहे हैं। खासकर ड्राई राशन फूड पैकेट्स भी आ रहे हैं, तो जो लोग फूड पैकेट्स देना चाहते हैं तो उनको भी भिजवाया जा रहा है। तहसील सदर का जो कम्युनिटी किचन है, यहाँ पे बेसिकली एक शासनादेश आया था जिसमें क्वारंटाइन सेंटर्स में रहने वाले सभी लोगों के लिए तहसील स्तर से ही व्यवस्था करनी थी। तो तहसील सदर में लगभग 288 क्वारंटाइन सेंटर हैं जहाँ पे लगभग 1400 लोग रह रहे हैं। तो सुबह और शाम दोनों टाइम का भोजन हम यहीं से बनवा के भिजवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी और भी डिमांड जो आती हैं, क्योंकि नेपाल क्लब से भी डिमांड आ रही है, उसी भी हम भिजवा रहे हैं, लेकिन वहाँ फूड पैकेट्स कम हो जाने की वजह से यहाँ से भी उनकी डिमांड को हम पूरी करवा रहे हैं। तो लगभग 400-500 लोग प्रत्येक दिन हमें आके लगभग 2000 के आसपास हम खाना यहाँ से भिजवा रहे हैं। यहाँ पे हमारा मेन तहसीलदार न्यायिक हैं सुनीता और नायब तहसीलदार नीलम, इनके सुपरविजन में पूरा कार्य हो रहा है। किचन जो सचिन हैं वो संभाल रहे हैं, लेखपाल और अमीन लगभग 5-5 लोग लगे हुए हैं और 10 लोग सचिन के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। तो लगभग 25-30 लोगों की टीम है जिसके द्वारा सुबह शाम खाना बनाने से लेके पैकिंग से लेके उनके वितरण तक का सारा कार्य हो रहा है। तो 2000 लोग अभी तक हम 2000 लोगों को सर्व कर पा रहे हैं। तो उम्मीद है, और ऐसा हुआ भी है, फीडबैक आया भी है कि कोई भी व्यक्ति गोरखपुर में भूखा ना रहे,
ये प्रशासन पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रहा है। नेपाल क्लब के माध्यम से, तहसील सदर के माध्यम से जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है कि गोरखपुर के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, हर ज़रूरतमंद के पास हम लोग पहुँचें, सुबह शाम उनके पास पहुँचें, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी क्रम में तहसील सदर की कम्युनिटी किचन संचालित हो रही है। यहाँ पे हम उनको, क्योंकि हम लोग आइसोलेशन सेंटर्स में रहने वाले लोगों के पास भिजवा रहे हैं, तो ये 14 दिन तक उनको आइसोलेट करना है, तो लोगों की शिकायत रहती है उनको खाना अच्छा नहीं मिल रहा, खासकर अभी तक तो घरों से उनके द्वारा खाना भिजवाया जा रहा था, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको पौष्टिक भोजन मिले। तो सुबह के मेन्यू में जैसे हम बिरयानी भी हम भेजते हैं उन लोगों के लिए, और सब्जी भी भेज रहे हैं, हरी सब्जी खासकर जो सीजनेबल सब्जी है, इस तरीके से भेज, ताकि उन लोगों को, क्योंकि 14 दिन तक उनको रहना, एक साथ रहना है और वहाँ पे कहीं जाना नहीं है, तो उन लोगों के लिए एटलीस्ट हम ये कर पाएंगे खाने से अच्छा यहाँ पे भेज देंगे, तो उन लोगों का रहेगा कि यहाँ खाना अच्छा मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ स्टे करें बिना कुछ उसके। हाँ, इसके अलावा भी डिमांड आती है, आइसोलेशन सेंटर के अलावा भी डिमांड आती है, खासकर जो भोजन जहाँ से डिमांड आ रही है, तो वहाँ यहाँ से हम भोजन भिजवा रहे हैं, और जहाँ से कच्चे राशन की डिमांड आ रही है, तो नेपाल क्लब से हम कच्चा राशन उनको पहुँचाया जा रहा है।